बाबा की सेवा करनी है और 36 बिरादरी का आशीर्वाद शुरू से लेके साथ चल रहे हैं। सभी से सुझाव मांगे आगे चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे प्लानिंग कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी टिकट दे रही है, चुनाव लड़ना है और शहर की सेवा करनी है। शहर की सेवा भाई साहब कर भी रहे लगातार, तो सभी ने अपने सुझाव दिए हैं, सभी ने अपना एक मत से आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद है सबसे बड़ी ताकत है। और इस आशीर्वाद के बसंत ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि गुड़गांवा जीतेगा, नवीन गुड़गांवा बनेगा। देखिए वो हमारे आदरणीय हैं, जरूरत नहीं होती, एक शिष्टाचार भेंट की बात होती है और हमारे समाज के कुछ लोगों ने प्लानिंग कर ली वैसे ही कि मिलने चलें, कि अपनी बात को रखें कि 36 बिरादरी की डिमांड नवीन गोयल है, ये बात रखने के लिए उनके पास जा रहे हैं। कई आदमी लोग कहते हैं कि समाज को टिकट दे दो, इसको दे दो। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि 36 बिरादरी का सामाजिक पंचायती उम्मीदवार को टिकट मिले। ये चीज़ें तो पुरानी चली आ रही हैं, या बड़े हाईकमान के लोग बताएंगे, इतना विषय तो मैं नहीं जानता। मैंने तो बहुत से गांव ऐसे देखे हैं जिस बिरादरी के सिर्फ 3 घर थे, वो 8-8 हज़ार वोट के गांव के सरपंच भी रहे। बात योग्यता की नहीं होनी चाहिए, जातीय समीकरण के हिसाब से भी मैं गुड़गांव में सही बैठता हूँ। बाबूजी सीताराम सिंगला जी MLA गुड़गांव से रहे, श्री उमेश अग्रवाल जी रहे, श्री सुधीर सिंगला जी मेरे रहे, तो उस हिसाब से भी ठीक है। और देखिए बात काम करने की है, हमने 5 साल में सरकार की मदद से जनता के आशीर्वाद से काम करके दिखाए हैं। आप लोग मीडिया से लोग हैं लेकिन आपका भी वोट गुड़गांव के अंदर है। अगर आप किसी से कोई व्यक्तिगत आपका अलग जुड़ा हो तो पता नहीं, अगर आप अपने भी दिल पर हाथ रख करके देखेंगे तो आपके वोट का हकदार भी मैं जरूर मिलूंगा, ऐसा मेरा मन गवाही दे रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश है, मैं कहता हूँ राजनीति में लोग साजिशें भी करते हैं, लोग पता ना अलग अलग प्लानिंग भी करते हैं। मैं तो अपने काम करने में मस्त हूँ और कोई कितनी साजिश कर ले, हम तो बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं, काम साथ कर भी रहे हैं और गुड़गांव के लिए जीवन समर्पित है, तो अब जो है ना लक्ष्य दूर नहीं है। ये बात मैंने हर बात में बताई है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सड़क सीवर बिजली पानी सफाई पार्क लाइट सड़क में गड्ढा ना हो, इन चीज़ों के लिए शुरुआत में 3 महीने तो बहुत ज़बरदस्त काम करने की ज़रूरत है। 900 मीटर का मुद्दा ठीक करवाना है, शिक्षा चिकित्सा के लिए और बड़ी योजनाएं शुरू करवानी है, जो योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, खिड़की मदुरा मेडिकल कॉलेज, शीतला माता का मंदिर, धर्मापुर में अंडर पास का मामला, जो भी काम पेंडिंग पड़े उनको पूरा करवाना है, ट्रैफिक जाम के लिए आगे काम करना है, सफाई के लिए आगे काम करना है, सफाई बहुत बड़ी जरूरत है, इस पर लगातार काम करने की जरूरत है। इसके अलावा 36 बिरादरी का मान सम्मान बढ़े, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, गुड़गांव में वाटर बॉडी बने उसके लिए कोशिश करेंगे, गुड़गांव में लेबर के लिए दलित समाज के लिए गार्डन लगवाने की कोशिश करी, उसमें कामयाब हुए। मैंने आवाज उठाई है कि गुड़गांव के अंदर आप सब लोग गुड़गांव को चलाने वाले लोग हैं। बाबूजी सुंदरदास अग्रवाल जी कृपया आवाज सुन रहे आगे हैं, एक आदमी स्कोर कर ले करो भाई सीधे लोग सुधर आओ बाबूजी संदीप जी ध्यान दे लो जो जो लोग आगे। आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं एक सपना है कि गुड़गांव के अंदर जो कि पंजाबी समाज एक बहुत बड़ी संख्या में रहता है और भीमनगर अर्जुन नगर 4 मरले में बहुत से कमजोर लोग भी रहते हैं जिनका बजट नहीं कि माता रोड में जाकर शादी कर लें, या उनका बजट नहीं है कि वो बड़े बड़े निकुंज में या एक रोड में शादी कर लें। शहर के अंदर तो वो गुलदस्ते वाली बात है, गरीब आदमी भी होता है अमीर आदमी भी होता है। ये मेरा सपना भी आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 36 बिरादरी का जो काम आए एक ऐसा पंजाबी भवन आधुनिक तौर पर बनवाने की मेरा सपना भी है। कर्मचारियों के लिए लेबर कॉलोनी के लिए उनकी कैंटीन बने, बहुत तमाम प्लानिंग कर रखी है गुड़गांव के अंदर, हर तरीके में गुड़गांव डेवलप हो उसको लेकर के सपने संजो रखे हैं। अब ये गुरुग्राम को आप एक अलग नजर से देखेंगे, अब ये महानगर बन गया है। इस महानगर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले 3 महीने जो हम सपना लेकर के चले हैं कि विधानसभा पहुंचे और वो आपने ही पहुंचाना, उसमें कहना चाहता हूं कि 3 महीने में
सड़क सीवर बिजली पानी सफाई पार्क ठीक हो, लाइट खराब ना हो, सड़क के अंदर गड्ढा ना हो, आवारा जानवर ना हो। शुरुआत के 3 महीनों पर इन पर बहुत दिलचस्पी से काम लेने का मैं प्रयास करूंगा। आप एक बात को शायद मान भी सकते हो कि रिजल्ट भी आएंगे। पूज्य गुरु जी का स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का भी आशीर्वाद लेकर के चले हैं। हमारे सेक्टर 4 धर्मशाला के पदाधिकारी भी बैठे हैं, बाजार के भी लोग बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हैं। सभी के आशीर्वाद से एक सपनों का शहर गुड़गावा बनाने की इच्छा है, चाहे उसमें ट्रैफिक का समाधान की बात हो, चाहे गुड़गावा की सफाई व्यवस्था को अच्छी करने की बात हो, चाहे जन सेवा केंद्र के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र सबको सरकार रेटर बनाने की बात हो, चाहे जनता और सरकार के बीच में कड़ी करके लोगों छोटे छोटे काम करने की बात हो। और जो आज की बैठक का नाम भी रखा है 36 बिरादरी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूं कि समाज जो गुलदस्ता होता है उस गुलदस्ते के अंदर सारे फूल होते हैं जब ही गुलदस्ता बनता है, और ये समाज 36 बिरादरी से बनता है। आपको बताना चाहता हूं, सामने नई बस्ती है, भगवान वाल्मीकि जी का एक बहुत सुंदर द्वार बनवाया, 2.5 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से भवन पास करवाया, आज वहां पर बहुत आलिशान भवन बन रहा है। जैकबपुरा में सभी ने मदद करी, उसमें मैंने भी सहयोग किया, संत गुरु रविदास जी के नाम से भी एक बहुत सुंदर पूरी बिरादरी 36 बिरादरी के सामने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जोरदार तालियां, तालियां बजती रहेंगी। 5 साल में मैंने और भाई ने आपको कभी भी इतना जोर ज्ञान बहुत जाओ, ज्ञान चावल बढ़ जाओ, कभी भी आपको कभी प्रेशर नहीं डाला होगा कि इतना टाइम दो इतना ना दो, लेकिन जी अब 1 महीना रह गया है, अपने आप ही तो बोलो और अपने आप ही संभालो और अपने आप ही जो है ना जी, मैं एक बार कह सकता हूँ आखिर में कि जिसने भी चंडीगढ़ का सेक्रेटरी और विधानसभा नहीं देखी हो, HR 26 नंबर को अलाउ करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा, कृपया अगर थोड़ा साइड में कुछ कुर्सियां और दे दो इनको कमल जी, ताकि सभी सभा, ये सभा सिर्फ 12-15 लोग जो मुख्य मुख्य 2-2 मिनट बोल ले, उसी में सारा डिस्कस आ जाएगा। जिसके भी जो विचार हैं आप खुल के बोल सकते हैं। ठीक है भाई, एक सबको बोलवा दो। महान गुरुग्राम।